आज से 25 साल पहले जो फोरम का आइडिया है बुनियादी तौर पे, ये तो सैयद आमिर सोहेल का ब्रेन चाइल्ड था। और इसमें चूँकि ये नौजवान था और इसके जो रवाबित थे बाद बुज़ुर्गों से भी थे और बाद नौजवानों से भी थे, और बुनियादी तौर पे ये है कि जहन में ये था कि जो तब्दीली की एक सूरत है वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन कल्चर ही एक ऐसा फील्ड है कि जो बराबर फील्ड है, और उसके लिए हमारा ख़्याल था कि ये नौजवान जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर उन्हें मुनासिब इनक्रेज किया जाए। और सिर्फ अदब में नहीं, आर्ट्स फोरम इसलिए था कि इसके अंदर सिर्फ तनकीदी नशस्तें भी होंगी लेकिन ये साथ म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट भी, इसके साथ साथ ख्याल ये था कि बच्चों के लिए कार्टून और इस तरह के जो ज़ाहिर वर्कशॉप वगैरह भी होती रही, ड्रामे भी, ड्रामे को हम उस तरह कंसिस्टेंटली नहीं कर सके लेकिन ज़ाहिर है करते रहे। और जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात थी और वो भी आमिर सोहेल का ही नुक्ता नज़र था कि इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि अदबी नशस्तों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी, मीरा जी ने की लेकिन फिर उसके बाद हमीद अख्तर की, ख़ुद आमिर सोहेल ने उर्दू अकेडमी की बहुत अच्छी जो है वो रिपोर्ट्स लिखी और बाद में भी उन्होंने लिखी, अब वो छप भी रही हैं। तो ये दस्तावेज़ बंदी की जो आइडिया था ये भी आमिर सोहेल का था। और फिर ये है कि जितने भी, एक खुशकिस्मती है कि जितने भी सेक्रेटरी आते रहे वो मुनासिब उसको डॉक्यूमेंट करते रहे। और लेकिन जिसको कहते हैं ना एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराने में, जब ये पब्लिकेशन में आया तो उसका क्रेडिट आप दें नय्यर मुस्तफ़ा को, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट, जिसमें नय्यर मुस्तफ़ा ने इसको वर्क ऑफ आर्ट बना दिया। ये मुल्तान की बाज़ बड़ी अहम अदबी शख्सियात ने और आर्ट से मुतल्लिक भी बाज़ शख्सियात ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। उनमें ज़ाहिर है कि हमारे इब्तदाई साथियों में अरशद मुल्तानी साहब, जो मुल्तानी तहजीब का एक उम्दा नमूना थे और बहुत उम्दा शायर थे, असगर अली शाह जो ज़ाहिर क्राफ्ट के अतबार से बड़ा अहम थे, इसी तरह मुमताज़ अतर, मैं समझता हूँ कि मुल्तान में एक बड़ा वकील नाम है। फिर नज़्म के हवाले से सबसे बड़ा नाम मैं समझता हूँ, बाद औकात तो ये बात शायद छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे वो मजीद अमजद से भी नज़्म के हद तक बेहतर लगते हैं। अमजद मेरा फेवरेट शायर है अब भी, लेकिन जो नजमुल असगर शाहिया की क्राफ्ट है वो बहुत बाकमाल थी। इसी तरह आर्ट के अंदर फीका साहब ने आके वर्कशॉप्स की और बहुत, नय्यर मुस्तफ़ा ने ड्रामा किए, लतीफ़ुज़्ज़मान ख़ान अपना उनका एक नुक्ता नज़र था लेकिन ज़ाहिर है कि वो बहुत ही अहम, फिर दबार हुसैन के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और वो लोग आते रहे। तो इन लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि एक उस, जिसको हम कहते हैं कि अदबी नज़रिया साजी में भी मदद मिली और साथ साथ यहाँ की कल्चर की, पेंटिंग की तारीख भी किसी हद तक मरतब होती हुई। शौकत कादरी ने, आमिर सोहेल ने, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। और फिर बाद में जब नौजवान एसोसिएट हुए तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया और बुज़ुर्गों को बल्कि उनसे सीखने का मौका मिला। अब बिल्कुल 25 साल के बाद ज़रूरत तो है कि इसको बेहतर, अगर मेरे अपने जहन में था कि किसी वक्त हम डांसिंग क्लासेस भी लगा सकें, बल्कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए एक ज़ाहिर बनाया भी, तो खुद हमारा भी जहन था कि परफॉर्मिंग आर्ट की जब है तो उसमें म्यूज़िक के साथ साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि ये आहिस्ता आहिस्ता
इस जगह के कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट मूवीज़ बनाई जा सकती हैं, ड्रामा की वर्कशॉप हो सकती हैं। और आज मैं जब ड्रामे को, कमर्शियल ड्रामे को देख के आ रहा था कि बग़ैर स्क्रिप्ट के कैसे ड्रामा होता है, और उससे पहले कुछ बच्चों ने किया था, वो वाज मच बेटर। तो मेरा ख़्याल है कि थिएटर को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो प्रोपेगंडा हो या ना हो, लेकिन एक लिटरेरी पैरामीटर को सामने रखते हुए लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे सके, ज़ाहिर है, और उसके साथ एजुकेशन भी दे सके, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह मुल्तान के अंदर फॉर्मल लेवल पे ज़रूरत है कि म्यूज़िक के कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो तकरीबन अब वायलिन का बंदा नहीं मिलता आपको मुल्तान में, तो जी बिल्कुल बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं है। और म्यूज़िक के लिए क्लासिकल म्यूज़िक को रिवाइव करने की ज़रूरत है। बाद इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे बिल्कुल ही, जिसके एक्सपर्ट्स थे तो अब मौजूद नहीं है। सितार का बंदा आपको बहुत कम मिलते हैं, और वो भी, तो इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, या जहाँ जहाँ पे कन्वीनियंटली, वैसे ड्रामा की वर्कशॉप हम कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, जहाँ पे बड़े कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आप ये इससे भी फिल्म बनाई जा सकती है। तो शॉर्ट मूवीज़ जो हैं, जिसमें फिर इस तरह के कोर्सेज जैसे एडिटिंग है, अब मेरा ख़्याल है कि मुल्तान में एडिटिंग करने वाला बंदा कोई नहीं है। अब शॉर्ट मूवी अगर बनानी हो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि या हम बाहर से तरबियत ले के लाएँ, लेकिन लोग अब जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। कोशिश मेरी है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या अदारा इसको टेकअप करे तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश की भी, लेकिन बहरहाल वो कुछ देर चला भी और फिर ज़ाहिर है कि बंद करना पड़ा। तो इस सब की इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, और इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ये कम पैसों में भी काम हो सकता है, ख़ास तौर पे जो शॉर्ट मूवीज़ हैं। लेकिन उसके लिए स्किल्स चाहिए, यानी बंदा ट्रेंड चाहिए। अब देखिए, अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, या उसके लिए एडिटिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ख़ुद जो पब्लिकेशन है, मतलब ये जो अदब की पब्लिकेशन है, हमारे पास यहाँ एडिटर का इधर भी कंसेप्ट अभी तक नहीं आया। कि अब बाहर के मैं नावल जो पढ़ता हूँ, तो वो एक एडिटिंग के लंबे प्रोसेस से गुजर के आते हैं। तो अब लोग फ्री स्टाइल पर करते हैं, लेकिन इसको इट हैज़ टू बी डन प्रोफेशनली, कि सिर्फ एडिटिंग फिल्म की नहीं होती, किताब की भी एडिटिंग होती है। तो अभी तक हमारे यहाँ वो एक तरबियत जो शायरी के हवाले से, इसके जो शॉर्ट स्टोरी के हवाले से, नावल के हवाले से जिस एडिटिंग की ज़रूरत है, आप जिस भी ज़बान में करें, पंजाबी में करें, अंग्रेज़ी में करें, सराइकी में करें, ज़ाहिर है हमारी ज़बानें यही हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भी अब उसी तरह है, तो उसके लिए ट्रेंड एडिटर्स की, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि हम इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा सकें। एक गल बड़ी वाजे है कि अगर थोड़े नाल नौजवान नस्ल नहीं जुड़ती, तुसी अपनी रिप्लेसमेंट खुद तैयार नहीं कर दे, तो फिर तुसी अगे करना की है। ये गल दा मेरे ख्याल सारे दोस्तों नूं ख्याल है सी, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्हां अदारियां असीं कम कीता उन्हां दी नुकता नज़र ये सी कि नौजवान लोग अगे ना, आम तौर पर मैंबरशिप के बारे च भी रिजर्वेशन सन। ये लाहौर च ही मैं देखा था आपसी कि डिस्करेज करते सन, लेकिन एक तो नौजवानों पर ट्रस्ट करना पैंदा जाहिर है, और दूसरा ये है कि बड़ा जरूरी होंदा कि तुसी अपनी जिंदगी विच रिप्लेसमेंट तैयार करो। अगर तुसी इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने आने वाली नस्ल से,
तो इहदा मतलब है कि फिर चीज़ां किसी भी सूरत बेहतर नहीं हो सकदी। बरखल एक ट्रस्ट है जी सानू नौजवानों ते, और तुसीं देखोगे कम अज़ कम डॉक्यूमेंटेशन की हद तक जिस भी सैकटरी ने काम किया सारे नौजवानों ने काम किया और बहुत बेहतर काम किया, बुजुर्गों तो बेहतर काम किया। और ग्रेजुअली अभी वो कहते रहने ना कि जी अदब का दीवार ये है, ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे अफसाने लिखे गए। तुसीं अगर कंपेयर कर लो साड़ी नसल के बंद ने जोड़े अफसाने लिखे थे, जी अज की नसल है वो साढ़े तो बहुत बेहतर लिख रहे हैं। मैं नाम ही लेने कोई ना, साहिर शफीक है, अहमद अदीम तौसवी है, ये अपना नैयर मुस्तफा है, ये इतों की मैं जिक्र कर रहा हाँ, लियाकत अली है। तो जाहिर है अगे आने वाले जो बच्चे ने साढ़े तो भी इन्हों तो भी बेहतर लिखणगे। तो ये जरूरत होंगी है कि तुसी सिर्फ इनकरेज करना नहीं है, उन्होंने तुसी बकायदा एसोसीएट करो और उन्होंने उत्ते ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट तुसी करो तो मैं देखिया कि वो ट्रस्ट थोड़ा हमेशा काम आता है। और इस मामले तो मेरे ख्याल अभी बड़े क्लीयर सा कि ये जड़ा है ना कि एक उम्र के नाल अथॉरिटी हो जाते हो, ये सही नहीं है, नौजवानों को सीखने की भी जरूरत है।